हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जाने वाला हूँ सऊदी, जो कि रजायना से आधा घंटा दूर एक छोटा सा गांव है। वहाँ जाके हम एक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं। वो गाड़ी जो हमने मार्केट प्लेस पे देखी थी, जो होंडा सिविक है, वैसे तो उसके ऑनलाइन जो उसके स्पेसिफिकेशंस और जो डिटेल्स उसने लिखी थी वो तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यू नो समटाइम्स इन पर्सन जाके ही पता चलता है गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है या क्या अच्छी चीज़ है। फोटो में तो कोई भी साफ करके रख सकता है। तो चलो जाते हैं सऊदी। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे हमको गाड़ी दे हम जहाँ पे गाड़ी देखने आए। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा सा फार्म है और यहाँ पे जो ओनर है उसके पास कुत्ते भी है, जो दिख रहे हैं आपको मेरे पीछे। और हमारी तो बहुत ही ज़्यादा फटती है कुत्तों से, क्योंकि पहले काट चुका है। और हम गाड़ी के बाहर निकलने वाले नहीं हैं जब तक ये कुत्ते थोड़े दूर जाते नहीं है। हम अभी ड्राइव करके आए कार, और चलने में तो एकदम मस्का बटर जैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है गाड़ी में। बस इसका अभी हुड ओपन करके देखेंगे कि इंजन में कोई लीकेज है या नहीं, क्योंकि अगर इंजन में ऑयल में थोड़ा भी अगर लीकेज होता है तो वो इंजन पे ही दिख जाता है। और बाकी ट्रंक भी खोल के देख लेंगे, और इसका ऑफकोर्स अंदर का साउंड सिस्टम वो सब भी सब सही है। कुछ आई डोंट थिंक सो इसने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया है साउंड सिस्टम पे, लेकिन जो भी है गाड़ी में जितना भी है अभी सब अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। और जो प्रॉब्लम्स हमको दिखी है वो प्रॉब्लम्स जो है वो छोटी मोटी ऐसी है कि कार में थोड़ी सफाई नहीं है। इसके पास कुत्ते हैं तो कुत्ते के बाल दिख रहे हैं, पैट की वो एक स्मेल होती है पर्टिकुलर, वो स्मेल आ रही है। और बहुत सारे स्टेन भी है सीट पे, क्योंकि ये सारी लेदर सीट नहीं है, कपड़े की सीट है, तो इस पे स्टेन्स दिख रहे हैं जिसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल वाला काम है, जो हम घर पे साफ़ नहीं कर सकते, उसके लिए किसी को देना ही पड़ेगा, तो उसका छोटा मोटा खर्चा आएगा। और गाड़ी चलने में सही है वो पहले बता दिया, लेकिन छोटे मोटे डेंट भी है कार में, वो डेंट सब ठीक कराने के भी अलग खर्चे लगेंगे। तो अभी वही बार्गेन करेंगे इसके साथ, अगर बार्गेन करने के बाद दोनों पार्टीज अग्री होती है। मैं कार नहीं ले रहा हूँ, मैं मेरे फ्रेंड के साथ आया हूँ, वो कार लेने वाला है। तो अगर मेरा फ्रेंड और जिसको बेचना है वो दोनों अग्री करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, तो हम कार ले लेंगे। एक टेंट वहाँ पे और यहाँ पे छोटा सा क्रैक भी है, ये सारे स्क्रैचेस भी, ये सारे वही, ये सब कुत्तों की वजह से ही हुआ है। किधर ठुका हुआ नहीं है गाड़ी, ये यहाँ पे भी एक छोटा सा डेंट है, साइड पे भी एक और डेंट था यहाँ पे, ये रहा डेंट जिसकी बात कर रहा था मैं ऊपर। और ये हेल डैमेज नहीं है, ये इसके पास जो कुत्ते, ये कुत्ते सारे ऊपर चढ़ चढ़ के सब खराब किया। ऑफकोर्स फार्म पे अगर होगी ये सब गाड़ियाँ तो ये सब छोटे मोटे डेंट्स और ये सारी छोटी मोटी तकलीफें तो होती रहेंगी, क्योंकि रास्ते इतने सही नहीं होते, इतने स्मूथ नहीं होते, तो चीप फूटता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होता ही है हर एक कार में। तो अगर आप कोई फार्म से गाड़ी पिक करने जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप ये सारी चीज़ें देखो। और हुड ओपन करके देखा, वो भी सही लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है कार में, कार क्लीन भी है, ना उसमें कोई एक्सीडेंट्स हुए, कुछ भी नहीं हुआ है, सब सही लग रहा है। डिसाइड कर लिया है कि भाई ये गाड़ी हम नहीं बाय करने वाले, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्राइस से नीचे आना नहीं चाहता, और गाड़ी में जो डेंट्स और जो चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है वो सबका खर्चा भी ऑलमोस्ट $1,000 है, तो कुछ अरेंज हो नहीं रहा था हम लोग के साइड से भी। हम लोग के लिए 1,000 एक्सपेंसिव था, उसके लिए 1,000 कम था, तो डिसाइड किया ये कार हम छोड़ देंगे और अभी जा रहे वापस रजायना। और वहाँ जाके एक और गाड़ी देखेंगे, जो अभी ऐसे मार्केट प्लेस पर मैं ढूंढ रहा था कि कोई दूसरी कार दिख जाती है क्या, तो एक दो गाड़ी दिखी है, मैसेज करते उसको, देखते आज की अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है वो लोग से तो आज ही जाके देख के आएंगे वो कार। हम पहुँच चुके रजायना और हम आए यहाँ पे फाइव गाइज में, थोड़ी भूख लगी है तो सोचा थोड़ा खा ले, उसके बाद ही दूसरी गाड़ियाँ देखने जाएंगे। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आलस आ रही है। अभी कार देखने का सीन ऐसा है कि जो दो गाड़ी हमको अच्छी लगी थी ऑनलाइन वो दोनों को मैसेज किया, तो एक ने तो मना कर दिया कि भाई हम विन नंबर नहीं देंगे, और दूसरे ने विन नंबर दिया और पता चला कि वो गाड़ी पे बहुत ज़्यादा क्लेम्स थे, तो वो हमने फिर दोनों गाड़ियाँ कैंसिल की। और एक तीसरी गाड़ी है जो हमको पता चला है कि वो भी देखने जा सकते हैं, तो उससे भी बात हो रही है, और पता चला कि वो हमारे कॉमन फ्रेंड का फ्रेंड है, तो अभी हम हमारे दोस्त को लेके जाने वाले हैं साथ में, तो अभी बस वही वेट कर रहे कि कभी हमारा दोस्त फ्री होगा और कभी हम निकलेंगे। तो अभी आ गए घर पे, थोड़ा आराम कर रहे हैं। और सॉरी, मैंने बीच में एक टर्म यूज़ किया, विन नंबर। तो विन नंबर यहाँ पे तुम वो विन नंबर डालते हो तो आपको मालूम पड़ता है कार पे कोई क्लेम्स है कि नहीं, तो वो होता है विन नंबर, जिसका आई गेस फुल फॉर्म है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बस वो गूगल पे मारो, हम सस्केचवन से, तो उसका ऐसा ऑप्शन होता है SGI विन सर्च, और उसमें आपको दिख जाता है क्या क्या क्लेम्स थे गाड़ी पे। अगर वो सारे क्लेम्स सस्केचवन के हैं और गाड़ी सस्केचवन की है, तो अगर आउट ऑफ प्रोविंस के तो आपको कारफैक्स लेना पड़ेगा। तो अभी ये जो गाड़ी देखने जाने वाले उसका अभी बात हो रही है, विन नंबर लेंगे और कारफैक्स भी लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो,
बट मोस्टली तो उधर जाके ही देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ये वाली गाड़ी है जो हमने फाइनली डिसाइड किया लेने का, शेवी क्रूज 2014 का मॉडल है, और यही है जो एक कॉमन फ्रेंड से मिल गया है, हमारे दोस्त सफान भाई, उन्हीं के पहचान वाला ये कोई इंसान था और वहीं से हमको मिल रही है ये गाड़ी। तो सफान के नाम से थोड़ा सा और सस्ते में मिल रहा है, 8400 में लिस्ट किया था और अभी कुछ आएगा 7500 तक डिस्काउंट करके लेके आए। सो यही फ़ायदा होता है अगर किसी पहचान वाले के नाम से जाते तो जो भी वो जिसके पास से भी लेने जाते सीधा वो बंदा फाइनल रेट ही बोल देता है कि भाई ओके मेरे को इससे नीचे तो बेचना ही नहीं है गाड़ी, और वही हुआ हमारे साथ। और लकीली गाड़ी अच्छी है अंदर से भी, जस्ट थोड़ी डिटेलिंग करने की ज़रूरत है, बट मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में जहाँ तक हमने अभी तक नोट किया है। हो गई सारी डील गाड़ी की, हम लेके आ गए गाड़ी, और जिसकी गाड़ी है जो दोस्त की गाड़ी है वो बेचारी थोड़ी शर्मा रही है, गाड़ी के अंदर बैठी है, लेकिन जाने देंगे यार, सब कैमरा फ्रेंडली नहीं होते, उसको थोड़ा डर लगता है शीशा है, तो इट्स ओके। हाँ लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है, मैंने खुद ने चलाई अभी, पहले तो सिर्फ सुना था, जो टेस्ट ड्राइव लेने गया था दोस्त उसने कहा कि मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैंने खुद ने चलाया और मुझे फील हुआ कि भाई एकदम मस्का बटर जैसी गाड़ी है, ज़ीरो प्रॉब्लम्स, सिर्फ थोड़ी सी अंदर से गंदी है, वो साफ कर देंगे। बाकी कुछ नहीं यार, ऐसे व्लॉग्स आपके लिए भी बनाते रहेंगे, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है फिर उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।